हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल केटी गुड फूड। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट आलू चिप्स। इसे हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इसको अच्छी तरह धोकर छीलकर पानी में भिगोकर रख दिया है। और ये चाट मसाला, काला नमक, रेड चिल्ली पाउडर है। और ये मैंने चिप्स फ्राई करने के लिए रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। अब हम चिप्स काटने वाली मशीन ले लेंगे। ये इजीली कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। आलू में हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें धीरे धीरे कर चिप्स को काटना है। आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे कर इसे काट रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा चिप्स कटकर तैयार हुआ है। ये बहुत ही पतला पतला है। अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में रख देंगे और इसको फिर एक बार पानी में डाल देंगे ताकि इसका रंग काला ना पड़े। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे इस तरह। अब सारी चिप्स को ऐसे ही निकाल लें। इसे हमको धूप में नहीं सुखाना है। आप देखिए मैं ऐसे कैसे सुखा रही हूँ। मैंने यहाँ एक साफ टावल लिया है और टावल में इसे अच्छी तरह फैलाकर रख दिया है। अब हल्के हाथों से इसे दबा दबा कर मैं इसे सुखा रही हूँ। चिप्स को काफ़ी लोग धूप में सुखाते हैं। ये ऑलमोस्ट सूखकर तैयार हो चुका है। चिप्स फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है और उसमें तेल डाल रही हूँ। तेल को हाई फ्लेम में ही गर्म करें। अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही हम इसमें चिप्स डालेंगे। ये गर्म हो चुका है। हमें एक एक कर इसमें चिप्स डाल रहे हैं। अब एक साथ ज़्यादा चिप्स ना डालें वरना ये चिपक जाएंगे। इसको हमें धीरे धीरे चलाते रहना है ऐसे ही। इसे हमें अच्छी तरह फ्राई करना है। ये चिप्स बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि बाज़ार में मिलता है। आप देख सकते हो ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये बिल्कुल बाजार जैसा ही लगेगा खाने में। ये देखिए हमारा चिप्स रेडी हुआ। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक ऐड करेंगे। और इसे थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे हिलाकर। मैं तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी है। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।